बैग ले आ लेते, मुझे यहाँ बना दिया कैमल ने, मेरे बैग धुलने लग गए। व्हाट्स अप यारो, वेलकम टू आवर YouTube चैनल YJ व्लॉग्स। हम लोग रुके हैं अभी काठगोदाम में, और ये अंशु लाटा। और हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं अंशु? हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। तो नैनीताल हम रूम पे रुकेंगे, अकेले हम लोग ले रहे हैं सब्जी, तो हम लोग उसके लिए रुके हैं। मैं दिखाता हूँ, लेडीज गई हैं सब्जी लेने। वह सुबह के टाइम पे इतना जाम मिल रहा है ना, ये देखो एक के बाद एक गाड़ियाँ, सब HR, ये तो टैक्सी गाड़ी है, ये देखो UP, सब बाहर की गाड़ियाँ। तो ये लेडीज लोग ले रहे हैं यहाँ से सब्जी। हाँ टमाटर तो कम ही लेना। हम लोग रुके हैं अभी जूलीगोट पे, और यहाँ से नैनीताल 18 किलोमीटर, भवाली भी 18 और अल्मोड़ा 70, कुछ भी नहीं। तो इन सबको लग गई है भूख, कहना जिस रेस्टोरेंट में, ये रेस्टोरेंट देखो, यहाँ पे तीन पेड़ हैं अंदर। वाओ, इनने काटा नहीं है यार, कितना सही है ये देखो। वरना आजकल तो लोग यार पेड़ सबसे पहले काटते हैं, ये देखो रेस्टोरेंट के अंदर तीन पेड़ हैं, इनने काटे नहीं है, बहुत सही। तो हम लोग पहुँच गए हैं रूसी गाँव पर, और ये है रूसी बाईपास, जो अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, वरना देखो सारी गाड़ियाँ जो भी बाहर की हैं उनको यहाँ से बाईपास करके भेज दे रहे हैं, और यहाँ से शटल सेवा है। ये तो भीड़ है नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हम पहुँचने वाले हैं, नैनीताल आने वाला है। हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये देव कृष्णा ड्राइवर को भी दिखाओ, ये हमारे ड्राइवर साहब, ये कहीं देख नहीं पा रहे क्योंकि आगे से बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं ना, पीछे लेडीज बैठी हुई हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, दो लेडीज और एक बच्चा बैठा है। हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल। नैनीताल यहाँ से है 2 किलोमीटर, ये हनुमानगढ़ी का रास्ता है ऊपर, जय वीर बजरंगी। वाह, बस मात्र 2 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे कहाँ, नैनीताल। नैनीताल वो है सामने ताल, लेकिन हमको जाना है यहाँ से ऊपर की तरफ। हाँ पहुँच गया ताल, बताओ। पूरा सूख गया ताल अभी गर्मियों में। यहीं पर है पेट्रोल पंप इसी रोड पे, और जाम देखो यार आगे कितना लगा। हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल रूम में, इस तरह से कुछ रूम है नैनीताल में। देखो हो गई है शुरू झमाझम बारिश, और नीचे पागल पिन्नू आ गई है देखो बारिश में। सब लोग अपने अपने रूम में, और ये देखो बारिश में नाचने में लगी है यहाँ पे। 2000 years later हम लोग हैं अभी नैनीताल में रात में, और देखो कितना सारा क्राउड है, ये देखो। और नैनीताल कितना प्यारा लग रहा है यार, हर जगह पहाड़ी पे लाइट ही लाइट, यहाँ लाइट वहाँ लाइट, ओ लास्ट तक लाइट ही लाइट। चलते हैं आगे को, यहाँ पे ना जो 4-व्हीलर होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, और रात में भी देखो कितनी भीड़ हो रही है। तिम्मो हम तीनों बच्चे हैं, मतलब ये दोनों बुढ़े हैं, मैं बच्चा हूँ। अरे क्या बोलना था बता दो। अच्छा ये दोनों बुढ़े हैं, मैं बच्चा हूँ, ये तो बोलना है नहीं, तो यार मुंह से निकाल के बोलोगे तेरे तो पता लगेगा क्या बोलना है। हम दोनों बच्चे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, ये दोनों बुढ़े हैं, मैं बच्चा हूँ, और देखो नैनीताल का व्यू। मैं और कृष्णा बच्चे, तुम बुढ़े। अच्छा ठीक है चलो फिर। यहाँ पे ये चर्च है एक, और आगे इतनी भीड़ है, और ये सब लोग बोल रहे हैं पूरा ऊपर तक जाएंगे, और उसके बाद जाएंगे ठंडी सड़क से। ठंडी सड़क मतलब वो जो सुनसान वाली रोड है ना, वहाँ से जाएंगे घर को, पूरा घूम के। अंशु मोमबत्ती उड़ा दे। अरे वाह भाई, मजा आ गया। कुछ कर सकता है भाई, तू कुछ कर सकता है। कहाँ है गुब्बारों को फोड़ रहा है, ये दोनों बच्चे फोड़ने में लगे हैं। देखो ये गुब्बारे, और ये देखो ये है रात का व्यू नैनीताल का। रात के बज गए हैं 9:30, अब भीड़ देखो यार। ये है नैनीताल की मार्केट, जो कि लोकल स्ट्रीट मार्केट है भाई। कैसे कैसे लोग टकरा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो दोनों तरफ फल और ये बनियान वनियान सब मिल जाएंगी यहाँ पे, खाने का भी मिल जाएगा। और सामने यहाँ पे है द्वारा, और आगे है नंद देवी का टेम्पल। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। तो हम जेंट्स लोग खा रहे हैं सब यहाँ पे मोमो। यहाँ पे हैं सोनम के फेमस मोमो, वेज और नॉन वेज। क्या हुआ, ज़्यादा गर्म हो गया? और जो लेडीज़ लोग हैं यार, वो तो दिखी नहीं रही हैं, वो यहीं की मार्केट में है, पता नहीं क्या लेने में लगी हैं। तो हमने कहा था तक मोमो खा लेते हैं। यह देखो माँ नैना देवी का मंदिर, और इसी के सामने यहाँ पे है पूरा फूड कोर्ट। The next day.
गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मुंह जरा सोया सोया लग रहा होगा क्योंकि हम रात में बहुत देर तक उठे हैं अंताक्षरी के लिए और सुबह जल्दी उठ गए हैं। तो हम लोग अभी हैं माल रोड पहुंचने वाले हैं क्योंकि हम वॉक कर रहे हैं यहाँ पर, 6:30 बज रहे हैं। वो देखो आगे वो पूरा जाम लगा है, वो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं चारों तरफ। छुट्टी भी है ना क्योंकि वीकेंड चल रहा है, आज संडे है। भीड़ देखो, मॉर्निंग में हाल है, पूरे दिन में क्या हो गया है तुम्हें, देखते हैं कहाँ ले जा पाते हैं आपको अभी सुबह मॉर्निंग वॉक पे। आज आपको हमारे साथ मॉर्निंग वॉक कराते हैं क्योंकि देखना हम लोग कैसी मस्त वाली मॉर्निंग वॉक करते हैं। नैनीताल में आए और मॉर्निंग वॉक नहीं की तो क्या बात ना। तो भाई देखो, हम लोग इतनी चढ़ाई में जा रहे हैं ना, आप लोग जो यहाँ नैनीताल आए होंगे उनको पता होगा जू रोड कितनी खतरनाक है। सटल सेवा से जाते हैं, वहाँ पर 80 रुपीज़ चार्ज है, 70 रुपीज़ चार्ज है सटल सेवा से। नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करके ऊपर आएंगे, फिर जू का जो टिकट है शायद 100 रुपीज़ समथिंग है। तो भाई हम लोग वहाँ पैदल जा रहे हैं, मतलब सटल सेवा क्यों लगाई जाती है ताकि भीड़ ना हो और गाड़ी चढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो लोगों को। बेचारी अपनी आप बीती बता रही है, इसका बिल्कुल मन नहीं था ऊपर को आने का। मैंने कहा सुनो मुझे लगा सुबह वॉक पे ले जाएंगे, वहाँ तो ताल पे 2-3 ऐसे फोटो शूट करूंगी मैं, एक दो रील बनाऊंगी, पर इन्होंने तो मेरी रेल बना दी ऊपर ले जाने जाके। ये देखो आप बड़ा अच्छा हो रहा है, बट ये है कि अभी चढ़ाई में आफत आ रही है, लेकिन जब नीचे आएंगे ना तो वैसे दौड़ते हो लुढ़कते आएंगे। आगे का व्यू पूरी रोड खाली है, और तुम्हें यहाँ से ना एक शॉर्टकट रास्ता है नीचे को जो सीधे वहीं तल्ली ताल पे जाता है, वहीं से जाएंगे जाते वक्त। तो ये सामने देखिए जू लिखा हुआ है, ये जो रास्ता है ये जू को जाता है, और ये जो रास्ता है ये यहाँ से ऊपर जाता है। अगर आपको रोप पे जाना है तो उसका ये बाइक वाला मार्ग है, या अगर जो टैक्सी होती है वो भी यहीं से आपको ले जाएंगी। तो यहाँ से ऊपर है रोप पे का रास्ता, और क्या चढ़ाई है। मैं तो बहुत ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन देखो तिम्मू, मैंने कहा मेरी उम्र यही तो ऊपर जाने की, घूमने जा रहे हैं भगवान के पास नहीं जा रहे। बढ़िया ही, जो हालत खराब होगी भाई, ऐसा रास्ता है अभी गोप्रो में तो दिखता नहीं है, ऐसे चढ़ाई है, मेरी हालत खराब हो गई। ये देखो भैया, ट्रैक ही कराना था तो चिपन टॉप ले जा लेते, कैमल्स बैग ले जा लेते, मुझे यहाँ बना दिया कैमल इन्होंने, मेरी बैग डूबने लग गई। ये देखो ऐसा रास्ता है, अगर दिख रही हो चढ़ाई तो ये पूरी ऊपर तक चढ़ाई है। मैं सोचा था ऊपर तक जाएंगे थोड़ा यार, 1 किलोमीटर तक आएंगे, या तो कोई ऐसा कोई पॉइंट होगी वहाँ पहुँचे। पॉइंट है ना क्या पॉइंट है, जू तक ले जाओगे? हाँ चला, तेरे घरवाल से मिला के लाता हूँ, चल मुझे ससुराल जाने का मूड नहीं है अभी। चलो। जो ये रास्ता है ना, ये है ऊपर जू का रास्ता, और हम जा रहे हैं इस रास्ते से, ये डायरेक्ट कलिताल पहुँचाएगा। हाँ यहाँ से एक बार मैं आया था ना, जब 6-8 रोड बंद हो जाती है ना, तो मैं इधर ही के रास्ते से आया था बाइक लेके, तब मुझे पता है यहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे। इतनी खतरनाक रोड से बाइक लेके आए थे? कोई ज्यादा खतरनाक थोड़ी है, गाड़ी बुलाया ना तो अक्षय कुमार ने, बुलाया था ना, बोला भाई क्या कर रही है, बुलाया कर दिया, मैंने कभी टाइम नहीं है यार, मेरा यूट्यूब बहुत ही चला रहा हूं रगड़ रगड़ के। ये देखो हम लोग पहुंच गए हैं जहां पे टोल टैक्स है, और सुबह का जाम देखो यार तुम लोग, मतलब नैनीताल बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है, पैक्ड है, एक के पीछे गाड़ी। चलते हैं रूम पे, नाश्ता करते हैं, भूख लग गई है। देखिए कैसे लोगों ने यहाँ पर होटल्स वगैरह गंदगी कर रखी है, इतनी ज़्यादा ताल मतलब इतना गंदा हो गया है, तो अगर ऐसे ही रहेगा तो ताल तो गायब हो जाएगा, एक दिन पता भी चलेगा। फिर आप लोग वोटिंग कैसे करोगे, तो यहाँ पर सफाई ज़रूर रखिए, क्योंकि ये मतलब जो भी है अपना प्राकृतिक हमारा इतना सुंदर जगह है, उसे ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब कोई है हम इतने अच्छे, हमारे मुँह पर यहाँ पर निशान बना देगा तो वो कैसा लगेगा हमें, तो वैसे ही हमारा गंदगी मत कीजिए ताल को। तो बस अब यही बोल रही हूँ, घूमने आइए, मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए, बट गंदगी मत कीजिए, सांस में लेके जाइए बॉटल्स, जो बोटल ऐसे पी के ऐसे फेंकते नहीं, ऐसे ऐसे पर्स में रख के जाओ और कहीं कूड़ेदान में डालो, ठीक है? आई बस समझ में, चलो।